नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त के बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है, कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर में भीषण आग लग गई है। कानपुर से यह बड़ी खबर है, जहां पर कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है और आग से उठ रहे धुएं के गुबार ऊपर के फ्लोर के कोचिंग सेंटर में फंसे हैं छात्र छात्राएं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। बर्रा थाना क्षेत्र के सचान चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है और ऊपर के फ्लोर पर छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं। धुएं के गुबार को देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण लगी है। कानपुर का ये पूरा मामला है, कानपुर में बर्रा थाना क्षेत्र के का ये पूरा मामला है। बर्रा थाना क्षेत्र के सचान चौराहे का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर कॉम्प्लेक्स में आग लगी है। आसपास में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों की वहां पर टीम भी पहुंची है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मोहम्मद असलम, क्या कुछ पूरा मामला है? आग जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भयावह लगी हुई है, किस क्या वजह थी आग लगने की? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो बर्रा थाना क्षेत्र के जो सकान चौराहा है वहाँ पर है, और वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जहाँ पर हर फ्लोर पे अलग अलग काम होते हैं। जहाँ पर आज जो सबसे फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पर आग लगी हुई थी, वही तीसरे फ्लोर पे कोचिंग चल रही थी, जिसमें जो है आग लगने के बाद कम से कम तकरीबन 20 बच्चे वहां पर फंस गए थे, छात्र छात्राएं जो थे। हालांकि आज कानपुर प्रशासन ने उसे काफी मुस्तैदी दिखाते हुए वहां पर छह मौके पर तत्काल प्रभाव से दमकली गाड़ियां पहुंची थी, और उसके बाद वहां पर पुलिस कर्मी पहुंच गए। इसके बाद रेस्क्यू करके 20 छात्र छात्राएं हैं उनको जो है सुरक्षित निकाल लिया गया था, और वहां पर जो आग बुझाने का काम है वो अभी भी जारी है, लेकिन जो 7 छात्राएं फिलहाल अभी सुरक्षित है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए मोहम्मद असलम। और 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस दौरान क्या कुछ वो संबोधन में कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। और सूरत के करीब 40,000 साथियों को इसकी मदद मिली। साथियों, सूरत शहर के पश्चिमी हिस्से रांदेर, अड़ायण, पाल, हजीरा, पालनपुर, जहांगीरपुरा और दूसरे क्षेत्रों में आज जितनी चहल पहल दिखती है वो 20 साल के अखंड एक निष्ठ परिश्रम का परिणाम है। शहर के अलग अलग हिस्सों में तापी पर आज दर्जन भर से ज्यादा पुल है जो शहर को भी जोड़ रहे हैं और सूरतवासियों को समृद्धि से भी जोड़ रहे हैं। इस तरह की इंटरसिटी कनेक्टिविटी बहुत कम देखने को मिलती है। सूरत सही मायने में सेतुओं का शहर है, जो मानवीयता, राष्ट्रीयता और समृद्धि की खाइयों को पार करके जोड़ने का काम करता है। भाइयों और बहनों, आज जिन प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है वे सभी सूरत की इस फ्री पहचान को सशक्त करने वाले हैं। सूरत के कपड़ा और हीरा कारोबार से देश भर के अनेक परिवारों का जीवन चलता है। ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो सूरत विश्व के सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक डायमंड ट्रेडिंग हब के रूप में विकसित होने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब सूरत दुनिया भर के डायमंड कारोबारियों कंपनियों के लिए एक आधुनिक ऑफिस स्पेस के रूप में पहचाना जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार ने सूरत
पावरलूम मेगा क्लस्टर, ये बहुत बड़ा निर्णय है भारत सरकार का। पावरलूम मेगा क्लस्टर उसकी स्वीकृति दे दी है और इससे सायन हो, उल्पाड़ हो, इन क्षेत्रों में पावरलूम वालों को जो समस्याएं आती थी वो समस्याएं कम होगी। यही नहीं, इससे प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान होगा। साथियों, सुरती लोगों की खासियत है, सुरती लाला इन्हें मौज करे वगैरह न चाले। अने भारतीय आवनारो मानस पर जो जो तबा सुरती लाला ना रग्गे रग्गे आई जाए। अने हूँ तो कांची नो एमपी छू, एटले लोको रोज मने संभळावे सूरत नु जमण कांची नु मरण। अने सांज पड़ी नथी के ताप्ती नदी ने आसपास इन इलाकों में घूमकर ठंडी हवा का लुप्त उठाना और कुछ खा पी करके ही घर लौटना। इसलिए ताप्ती के किनारों सहित सूरत को और आधुनिक बनाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भूपेंद्र भाई और सीआर पाटिल और कॉरपोरेशन से जुड़े लोग, यहां के विधायक, इन सबको मैं बधाई देता हूं आपके इन प्रयासों के लिए। बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोजेक्ट के बनने से सूरत वासियों की टहलने की इस आदत को और सुविधा मिलेगी, उठने बैठने सीखने के लिए नए स्थान मिलेंगे। भाइयों और बहनों, एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क जो बनी है वो सूरत की संस्कृति, समृद्धि और आधुनिकता को दर्शाती है। लेकिन यहां अनेक साथी ऐसे हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए भी हमारे लंबे संघर्ष को देखा है, उसका हिस्सा भी रहे हैं। तब जो दिल्ली में सरकार थी हम उनको बताते बताते थक गए कि सूरत को एयरपोर्ट की जरूरत क्यों है, इस शहर का सामर्थ्य क्या है। आज देखिए कितनी ही फ्लाइट यहां से चलती है, कितने ही लोग हर रोज यहां एयरपोर्ट पर उतरते हैं। आपको याद होगा यही स्थिति मेट्रो को लेकर के भी थी, लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार है तो स्वीकृति भी तेज गति से मिलती है और काम भी उतनी ही तेजी से होता है। भाई और बहनों, व्यापार कारोबार में लॉजिस्टिक का कितना महत्व होता है ये सूरत वाले अच्छे से जानते हैं। नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी से सूरत को बहुत लाभ होने वाला है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए भी सूरत में एक बड़ी योजना पर काम शुरू हो चुका है। गोगा हजीरा रोपेक्स फेरी सर्विस ने सौराष्ट्र के कृषि हब को सूरत के बिजनेस हब से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गोगा और हजीरा के बीच रोरो फेरी सर्विस की वजह से लोगों का समय भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है। सड़क के रास्ते गोगा और हजीरा के बीच की दूरी करीब करीब 400 किलोमीटर के आसपास होती है, जबकि समंदर के रास्ते यही दूरी कुछ ही किलोमीटर हो जाती है। अब ये इससे बड़ी सुविधा क्या हो सकती है। इससे वजह से
जहां पहला गोगा से हजीरा आने जाने में 10-12 घंटे लगते थे, वहीं अब ये सफर 3.5-4 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। हम फेरी की वजह से भावनगर, अमरेली और सौराष्ट्र के दूसरे हिस्सों से सूरत आए लोगों को बहुत लाभ होगा। अब परमानेंट टर्मिनल तैयार होने के कारण आने वाले दिनों में और ज्यादा रूट खुलने की संभावना बढ़ी है। इससे यहां के उद्योगों को, किसानों को पहले से ज्यादा लाभ होगा। साथियों, हमारी सरकार सूरत के व्यापारियों, कारोबारियों की हर आवश्यकता को देखते हुए काम कर रही है, नए नए इनोवेशन कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं कि सूरत के टेक्सटाइल का एक बड़ा बाजार काशी और पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। यहां से बड़ी संख्या में ट्रकों के जरिए सामान पूर्वी यूपी भेजा जाता रहा है। अब रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट ने मिलकर एक नया समाधान भी खोजा है, एक नया इनोवेशन किया है। रेलवे ने अपने कोच की डिजाइन को इस तरह से बदला है कि उसमें आसानी से कार्गो फिट हो जाता है। इसके लिए खास तौर पर 1 टन के कंटेनर भी बनाए गए हैं। ये कंटेनर आसानी से चढ़ाए और उतारे जा सकते हैं। शुरुआती सफलता के बाद अब सूरत से कांची के लिए पूरी एक नई ट्रेन ही चलाने की कोशिश हो रही है। ये ट्रेन सूरत से माल सामान ढोकर के कांची तक जाया करेगी। इसका बहुत बड़ा लाभ सूरत के व्यापारियों को होगा, यहां के कारोबारियों को होगा, यहां के मेरे श्रमिक भाइयों बहनों को होगा। बहुत जल्द सूरत बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिजली से चलने वाली गाड़ियों के लिए भी ये सूरत पहचाना जाएगा। सूरत की नित्य नई नई पहचान बनती है। कभी सिल्क सिटी, कभी डायमंड सिटी, कभी सेतु सिटी, और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सिटी के रूप में जाना जाएगा। केंद्र सरकार आज पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए सरकारों को मदद दे रही है। सूरत इस मामले में भी देश के बाकी शहरों की तुलना में बहुत तेजी से काम कर रहा है, और इसमें सूरत को बधाई देता हूं इस काम के लिए। आज सूरत शहर में 25 चार्जिंग स्टेशन का लोकार्पण और इतने ही स्टेशनों का शिलान्यास हुआ है। आने वाले कुछ समय में सूरत में 500 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तरफ ये बहुत बड़ा कदम है। साथियों, बीते 2 दशकों से विकास के जिस पथ पर सूरत चल पड़ा है, वो आने वाले सालों में और तेज होने वाला है। यही विकास आज डबल इंजन सरकार पर विश्वास के रूप में झलकता है। जब विश्वास बढ़ता है तो प्रयास बढ़ता है, और सबका प्रयास से राष्ट्र के विकास की गति तेज होती है। इस गति को हम बनाए रखेंगे। इसी आशा के साथ सूरतवासियों नो जेटलो आभार मानो एटलो ओछो, सूरते उदाहरण रूप प्रगति करी छे। दोस्त, हिंदुस्तान में सूरत ना समकक्ष अनेक शहरों छे। सूरते बधाने पाछड़ पाड़ी दीधा छे।
आ शक्ति गुजरात में छे दोस्तों, आ गुजरात नी शक्ति ने उनी आंच ना आवे, गुजरात नी विकास यात्रा ने कोई उणप न रहे, एना माटे कोटि कोटि गुजरातीओ प्रतिबद्ध छे, संकल्पबद्ध छे, एज विश्वास साथे फरी एक बार आप सबने खूब खूब आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दरअसल गुजरात मिशन पर दो दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत पहुंचे हुए हैं और सूरत में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सूरत देश का सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही है। सूरत श्रम का सम्मान करने वाला एक शहर है और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल गुजरात मिशन पर दो दिवसीय दौरे पर हैं और इसी कड़ी में आज सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और इस दौरान कई योजनाओं और परियोजनाओं की सौगात भी दी है और इसके साथ ही जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। और सुप्रीम कोर्ट के गर्भपात को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स में विस्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नियम 3B का विस्तार किया है। अविवाहिता को 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। पहले गर्भपात का अधिकार विवाहित महिला को ही होता था, लेकिन अब अविवाहिता महिला के लिए भी ये रूल्स विस्तार कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का गर्भपात को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। आज सुप्रीम कोर्ट का गर्भपात को लेकर यह बड़ा फैसला आज सामने आया है। दरअसल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स में विस्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने नियम 3B का विस्तार किया है। ये बड़ा कदम उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ा फैसला लिया है। अविवाहिता को 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार अब मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। दरअसल पहले गर्भपात का अधिकार विवाहित महिला को ही था और अब ये अधिकार अविवाहिता महिला को भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा कदम उठाया है। और इस बीच नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने नोएडा प्राधिकरण के 5 अधिकारियों को नोटिस भेजा है। सेक्टर 21 में दीवार गिरकर 4 मजदूरों की मौत के मामले में नोटिस भेजा गया है। डीजीएम, मैनेजर, जेई और 2 सुपरवाइजर को नोटिस भेजा गया है। 91 सीआरपीसी का भेजा गया है नोटिस। सेक्टर 21 में दीवार गिरकर 4 मजदूरों की मौत के मामले में नोटिस भेजा गया है। डीजीएम, मैनेजर, जेई और 2 सुपरवाइजर को नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें कि 91 सीआरपीसी को का नोटिस भेजा गया है। ये बड़ी खबर है नोएडा से। आपको बता दें कि पुलिस ने नोएडा प्राधिकरण के 5 अधिकारियों को नोटिस भेजा है। नोएडा से एक वक्त की यह बड़ी खबर है। सेक्टर 21 में दीवार गिरकर 4 मजदूरों की मौत के मामले में नोटिस भेजा गया है। ये पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है और प्राधिकरण के 4 अधिकारियों को नोटिस भेजा है। डीजीएम, मैनेजर, जेई और 2 सुपरवाइजर को नोटिस भेजा गया है। 91 सीआरपीसी का भेजा गया है नोटिस। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नितिन, पुलिस ने नोएडा प्राधिकरण के 5 अधिकारियों को नोटिस भेजा है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए बिल्कुल, नोएडा प्राधिकरण के ऊपर जो है नोएडा पुलिस ने एक 5 अधिकारियों के खिलाफ जो है नोटिस भेजा गया। अभी कुछ ही दिन पहले जो नोएडा के अंदर सेक्टर 21 में जलवायु विहार में जो है दीवार गिरने से जो है 4 मजदूरों की मौत हो गई थी, तो उसको देखते हुए जो है नोएडा पुलिस ने 91 सीआरपीएफ का जो नोटिस है वो 5 नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ भेजा गया है। उसमें जो है साफ कह दिया गया है कि जिस तरीके से जो 5 अधिकारियों को जो नाम दिया गया है, इनको जो है जल्दी जल्दी तलब किया जाए, इनको बुलाया जाएगा, तो उसी को देखते हुए यहाँ नोएडा प्राधिकरण में जो है
पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के जो पांच अधिकारी थे इन पांचों पे ही जो है नोटिस भेजा गया है। जो जेई है उनके जेई और दो सुपरवाइजर और डीजीएम के जो मैनेजर है इनको भी जो है नोटिस भेजा गया है। कुछ दिन पहले भी जो है एक अधिकारी को जो है नोएडा पुलिस जो है जेल भेज चुके हैं इस मामले में। जिस तरीके से जो दीवार गिरी थी, चार लोगों की मौत हुई थी, तो उसमें साफ कह दिया गया कि जो दोषी है उनको जो वक्ता नहीं जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ जो है नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह है वो खुद इन पर जो है कार्रवाई कराने की मांग को लेकर जो है वहां पर डटे हुए हैं कि इन पर जो है जल्दी जल्दी इनकी कार्रवाई की जाए और इनको जो दोषी है इनको जेल भेजा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए नितिन। डीजीएम, मैनेजर, जेई और दो सुपरवाइजर को नोटिस भेजा गया है। 91 सीआरपीसी का नोटिस भेजा गया है। नोएडा से बड़ी खबर है जहां पर आपको बता दें कि पुलिस ने नोएडा प्राधिकरण के पांच अधिकारियों को नोटिस भेजा है। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है जहां पर माफिया अतीक अहमद के चचेरे भाई राशिद समेत सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रंगदारी मांगने और जमीन कब्जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। धूमनगंज पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कसारी मसारी निवासी जीशान अहमद ने मुकदमा दर्ज कराया है। प्रयागराज से बड़ी खबर है। धूमनगंज पुलिस मुकदमा दर्ज कर अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कसारी मसारी निवासी जीशान अहमद ने यह मुकदमा दर्ज कराया है और मुकदमा दर्ज हुआ है माफिया अतीक अहमद के चचेरे भाई राशिद समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रंगदारी मांगने और जमीन कब्जाने के आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब पूरे मामले की पुलिस छानबीन कर रही है, पड़ताल कर रही है। धूमनगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कसारी मसारी निवासी जीशान अहमद ने यह पूरा मामला दर्ज कराया है, मुकदमा दर्ज कराया है माफिया अतीक अहमद के चचेरे भाई राशिद समेत सात लोगों के खिलाफ। रंगदारी मांगने और जमीन कब्जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। धूमनगंज पुलिस मुकदमा दर्ज कर अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर अमरोहा से है जहां पर बारात के लोगों को बंधक बनाया गया है। बता दें कि दूल्हे ने पहले ही कोर्ट मैरिज कर रखी थी जिसका खुलासा होने के बाद दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारात को बंधक बनाया जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। पूरा मामला नुगावा सादात क्षेत्र के गांव पंजीसराय का है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरे बारात को ग्रामीणों ने बंधक बनाया। आपको बता दें कि दूल्हे ने पहले ही कोर्ट मैरिज कर रखा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मोहम्मद इमरान, क्या कुछ ये पूरा मामला है? बताया जा रहा है कि पूरे बारात को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये अमरोहा जनपद की नौगावा सादात थाना क्षेत्र का पूरा मामला है जहाँ पर जो है एक शादी बारात आई थी जो रजबपुर थाना क्षेत्र से आई थी। वहां पर जिस जगह बारात आई थी लड़की पक्ष को पता चला कि दूल्हे लड़की की ऑलरेडी पहले ही शादी हो चुकी है जिसके चलते उसकी प्रेमिका ने आकर यहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया जिसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने बारातियों को पूरी बारात को बंधक बना लिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, अभी समझौते का प्रयास जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए मोहम्मद इमरान। दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारात को बंधक बनाया, दूल्हे ने पहले ही कोर्ट मैरिज कर रखी थी और उसके बाद जानकारी हुई दुल्हन पक्ष के लोगों को, उसके बाद वो हंगामा हुआ और दुल्हन पक्ष के लोगों ने पूरी बारात को बंधक बना लिया। दोनों पक्षों में जमकर विवाद भी हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची है और पूरे मामले की छानबीन कर रही है और मामले को लेकर के पड़ताल कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।